हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसपी टेक टिप्स। और ये है एब्सोल्यूट नेट क्रैश पार्ट टू। और इस पार्ट में हम कवर कर रहे हैं नेटवर्क डिवाइसेस। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमने जाना। और अब हम इस पार्ट में नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, जिसकी मदद से हम इस कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये जो है नेटवर्क डायग्राम देख पा रहे होंगे। अगर आपको ऑलरेडी नेटवर्क के बारे में नॉलेज है, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में नॉलेज है, तो आप इस मैप को, इस छोटे से डायग्राम को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं पता होगा कि ये जो इंटरमीडिएट डिवाइस हैं, जैसे कि यहाँ स्विच है, ये राउटर है, ये वाईफाई राउटर है, या तो ये क्या है या फिर ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, आपको इनके बारे में क्लैरिटी नहीं होगी। तो आपसे मेरा एक प्रॉमिस है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो एट दी एंड आप इस डायग्राम को इंटरप्रेट कर पाएंगे, उन डिवाइसेस के बारे में अच्छी तरीके से समझ कर आप ये बता पाएंगे कि वो डिवाइस का फंक्शन क्या है और ये पर्टिकुलर डिवाइसेस इस जगह पर क्यों डिप्लॉय किए गए हैं। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेटवर्क डिवाइसेस होते क्या हैं। नेटवर्क डिवाइसेस या फिर वो नेटवर्क हार्डवेयर क्या होते हैं, तो इसका एक डेफिनेशन है, मैं बताता हूँ आपको। नेटवर्क डिवाइसेस और नेटवर्क हार्डवेयर आर फिजिकल डिवाइसेज दैट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और फिलहाल आपको इस डेफिनेशन की ही ज़रूरत है। आप ज़्यादा एडवांस में जाने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे और आपको आप मेन पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 ऐसे नेटवर्क डिवाइसेस को लिया है जो होम नेटवर्क और एंटरप्राइज लेवल में दोनों जगह पर यूज़ होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट नेटवर्क डिवाइसेस को लिया है। लेट से आपको कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो 95% केसेस में आपको इन्हीं डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। इन डिवाइसेस से बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो 5% केसेस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन वाले होंगे, अदरवाइज़ आपको इन्हीं डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो लिया है वो है एथरनेट हब। तो हम इसे शुरू करते हैं। एथरनेट हब, यहाँ पर मैंने इसका डेफिनेशन लिया है। Hub serves as a central connection for all of your devices in a computer network. The hub contains multiple ports. When a data packet arrives at one port, then the data is sent to all other ports in a LAN segment except the originated port. Second line mein likha hai ki each port on a hub is in a single collision domain. Right? तो अब ये हब करता क्या है? ये हब आपको एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्टिविटी का ऑप्शन देता है, जिसमें आप अपने सारे नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और उनको आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। ऑलराइट, अगर किसी भी डायग्राम में आप इस सिंबल को प्रेजेंट करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपने एक हब को डिप्लॉय किया है। ऑलराइट, और हब दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। हब एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब यह है कि आजकल नेटवर्किंग में हब को यूज़ नहीं किया जाता है। हब के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि आप इस लाइन में पढ़ पा रहे होंगे, व्हेन अ डेटा पैकेट अराइव्स एट वन पोर्ट द डेटा इज सेंड टू ऑल अदर पोर्ट्स इन अ लैन सेगमेंट एक्सेप्ट द ओरिजिनेटेड पोर्ट। इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आप एक हब से कनेक्टेड हैं और आपके नेटवर्क में 5 कंप्यूटर्स हैं और आपका कंप्यूटर ए कंप्यूटर डी को कोई डेटा भेजना चाहता है, तो आपने अपना डेटा सेंड किया हब के पास। तो इस केस में हब करेगा ये कि हब उस डेटा को कॉपी करेगा और उन बाकी सभी पोर्ट को ये डेटा जो है सेंड कर देगा, सिवाय उस ओरिजिनेटिंग पोर्ट के, जो कि आपका कंप्यूटर ए से कनेक्टेड जो पोर्ट है वो रहेगा। तो इससे होगा ये कि हब सिक्योरिटी प्रस्पेक्टिव से बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा भेजना चाहते हैं, तो इस केस में ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब के पास पहुँच जाएगा, तो इसमें सिक्योरिटी जैसी चीज़ों का कोई सवाल नहीं रहा। और दूसरी बात, हब एक डम्ब डिवाइस है, इसका मतलब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। और इस लाइन में लिखा है कि ईच पोर्ट ऑन अ हब इज़ इन अ सिंगल कोलिजन डोमेन। और अगर अभी मैं कोलिजन डोमेन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो वो शायद आपको समझ ना आए, और जो लोग ऑलरेडी नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं उनको पता होगा इसके बारे में। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पर ये कोलिजन डोमेन शुरू करूँ, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आप टॉपिक से जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये अलग ही एक टॉपिक है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आ रही है, तब तक आप इसे नोट करके रखिए, आगे आपको समझ आएगा कि कोलिजन डोमेन होता क्या है। ऑलराइट, तो हब में सिर्फ इतना ही, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, तो आप थियोरेटिकली इसको पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकली इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन रियल वर्ल्ड में अब नहीं होता है। राइट, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस के पास, जो है कि एथरनेट स्विच।
तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. एथरनेट स्विच वर्क्स एज अ सेंट्रल प्लेस फॉर कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड एवरी अदर वायर्ड नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क टू कम्युनिकेट टू ईच अदर्स. एवरी पोर्ट ऑन अ स्विच इज अ सेपरेट कोलिजन डोमेन. नेटवर्क स्विचेस आर इंटेलिजेंट एंड मोर एफिशिएंट एट पासिंग द नेटवर्क ट्रैफिक. इट रिकॉर्ड्स द मैक एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट इन अ टेबल कॉल्ड SAT. व्हेन ट्रैफिक कम्स थ्रू the switch reads the destination address and sends the traffic to the appropriate computer rather than sending it to all the connected computers. All right. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ethernet switch है इसका भी जो primary task है वो यही है कि ये centralized connectivity देता है हमारे सारे के सारे computing devices को जिनकी मदद से हम अपना जो है computer network form करते हैं. अब इसमें एक line ये लिखी है कि every port on a switch is a separate collision domain. जैसे कि मैंने कहा था कि collision domain मैं आपको आगे बताऊंगा वो होता क्या है. अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ फीचर्स के बारे में. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये इंटेलिजेंट और मोर एफिशिएंट है नेटवर्क ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने में. राइट. नेटवर्क डिवाइसेस का डिज़ाइन भी फिजिकली हब की तरह होता है लेकिन ये इनका जो सॉफ्टवेयर पार्ट जो होता है वो काफ़ी एडवांस होता है. ये अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है जैसे हम कहते हैं कि सोर्स एड्रेस टेबल. और भी कई तरह के नाम लोग जनरल टर्म में दे देते हैं इसको जैसे कि मैक एड्रेस टेबल कहा जाता है इसको और भी वगैरह वगैरह. तो ये सोर्स एड्रेस टेबल रखता है अपने पास. और लेट्स से हम अपना पुराना एग्जांपल लेते हैं 5 कंप्यूटर वाला. अब इस नेटवर्क में अगर हम किसी स्विच से कनेक्टेड हैं और मैं अपना डेटा भेजता हूँ ए से डी को, तो ए से जब मेरा डेटा पैकेट स्विच पर पहुंचेगा तो स्विच हब की तरह इसे सब पे फॉरवर्ड नहीं करेगा. बजाय उसके ये क्या करेगा कि जिस एड्रेस के लिए मैंने इसे भेजा है ये अपने सोर्स एड्रेस टेबल में उस एड्रेस को मैच करेगा. उसके बाद ये सारा का सारा जो ट्रैफिक है सारा डेटा जो है ये सिर्फ डी को फॉरवर्ड करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो सिक्योरिटी है वो एनहेंस होता है. जिससे होगा ये कि इंटेंडेड यूज़र ही उस डेटा को रिसीव कर पाएगा, अदरवाइज ये किसी और के पास नहीं जाएगा. ऑलराइट. तो स्विच के कई सारे एडवांटेजेस में से ये एक बेसिक एडवांटेज है, बेसिक उसके फीचर्स हैं. और फिलहाल आपको मैं इतना ही बताऊंगा. अगर मैं इसको और ज़्यादा डीप में लेकर जाऊं तो आप यहाँ भी पजल हो जाएंगे. ऑलराइट. तो मैं आगे नेटवर्क स्विचेस के लिए ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं या फिर एक डेडिकेटेड सीरीज बनाऊं उनके लिए, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा. तो फिलहाल एथरनेट स्विच के बारे में मैं इतना ही आपको बताऊंगा. और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस पे और ये है मॉडम. इसका डेफिनेशन देखते हैं. मॉडम इज शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. इट इज़ अ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट विच अलाउज अ कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. इट कन्वर्ट्स और मॉड्यूलेट्स द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा दैट अ कंप्यूटर कैन रिकोगनाइज. आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मॉडम के बारे में सुना होगा. और अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो आप के घर पे भी इनमें से एक डिवाइस लगा होगा. तो इस डिवाइस का प्राइमरी जॉब क्या है? ये सिग्नल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा यही काम ये रिवर्स में करता है, डिजिटल को एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पर मैंने दो डिवाइसेस के आपको एग्जांपल दिए हैं. ये पहला है टेलीफोन केबल कम्युनिकेशन वाला, जो पुराने DSL मॉडम यूज़ करते थे हम लोग. बहुतों को इसके बारे में पता होगा, ये टेलीफोन लाइन के साथ आता था. और ये लेटेस्ट आजकल का जो फाइबर ऑप्टिक मॉडम है जिसे हम ONT कहते हैं, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, ये दोनों ही मॉडम हैं. इस दोनों ही सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये है एक बेसिक DSL मॉडम जो टेलीफोन लाइन के साथ जुड़ा होता है. आप जो सिग्नल आपके ISP से आपके मॉडम तक आता है वो तो होता है एनालॉग सिग्नल में, और ये जो मॉडम है इसको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो इस डिजिटल सिग्नल को समझ सके. राइट. और वैसे ही ये आपके कंप्यूटर से रिसीव किए हुए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर वापस आपके ISP तक भेजता है, जिसकी मदद से आपका इंटरनेट चलता है. और सेम केस होता है यहाँ इस फाइबर ऑप्टिक मॉडल के साथ. और कई लोग कहते हैं कि फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के साथ कोई मॉडम नहीं आता है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है और मैं चाहता हूँ कि वो लोग खुद को अपडेट करें. ठीक है. आपके ISP से आपका जो फाइबर कनेक्शन आता है आपके मॉडम तक वो बेसिकली होता है लाइट वेव्स या फिर लाइट पल्सेस. तो ये मॉडम आपका उस लाइट पल्सेस को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और ताकि आपका कंप्यूटर इसको समझ सके और दोबारा आपके डिजिटल सिग्नल्स को लाइट वेव्स में कन्वर्ट कर आपके ISP तक भेजता है. एक बेसिक मॉडम का काम यही होता है.
और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस पर, यानी कि राउटर। और यहाँ पर जिस राउटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली एंटरप्राइज राउटर है। ये आपके घर का वायरलेस राउटर नहीं है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा उसके बारे में। पहले हम इस एंटरप्राइज राउटर के बारे में देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, राउटर्स इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स नेटवर्क पैकेट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर कंप्यूटर नेटवर्क। द एंटरप्राइज मीन्स दैट कॉन्फिग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड्स अ आई टी प्रोफेशनल। सच राउटर्स डू नॉट हैव वाईफाई बिल्ट इन एज डू होम वायरलेस राउटर्स। एंटरप्राइज राउटर्स हैव न्यूमरस एथरनेट इंटरफेसिस एंड कैन बी क्वाइट बिग इन साइज एंड दीज राउटर्स आर वेरी कॉस्टली एंड दिस टाइप ऑफ राउटर्स यूजअली हैव रिडंडेंसी ऑप्शंस अवेलेबल इन इट। एंटरप्राइज राउटर्स कैन हैंडल मिलियंस ऑफ ट्रैफिक्स पर सेकेंड। राउटर्स बाई डिफॉल्ट ब्रेक अप ब्रॉडकास्ट डोमेन। ऑलराइट, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है एंटरप्राइज लेवल राउटर की। अब ये राउटर करता क्या है? ये राउटर आपके नेटवर्क पैकेट को फॉरवर्ड करता है किसी दूसरे नेटवर्क में। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्विच के केसेस में स्विच आपके नेटवर्क के अंदर ही आपके नेट डेटा को फॉरवर्ड करता है किसी दूसरे डिवाइस में, लेकिन राउटर नेटवर्क टू नेटवर्क डेटा फॉरवर्ड करने का काम करता है। और ये राउटर का वन ऑफ द प्राइमरी जॉब है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक राउटर का सिंबल है। अगर किसी डायग्राम में अगर आप ये सिंबल देखें तो समझ जाइए कि वहाँ पर कोई राउटर इम्प्लीमेंटेड है। और ये एक स्टैंडर्ड एंटरप्राइज लेवल राउटर का इमेज है, ये सिस्को का है बेसिकली। राइट, तो इसमें लिखा हुआ है कि इस एंटरप्राइज राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक आईटी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा इसलिए कि ये आपके घर के राउटर की तरह वेब एक्सेस करके इजीली जीयूआई पे कॉन्फ़िगर होने वाला डिवाइस है नहीं। इसके लिए स्पेसिफिकली ट्रेंड आईटी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। किसी होम यूज़र के लिए इस राउटर का एक्सेस ले पाना भी बहुत मुश्किल है। राइट, तो इसमें कोई बिल्ट इन वाईफाई वगैरह होता नहीं है जैसे कि आपके होम राउटर में होता है। और एंटरप्राइज राउटर्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, और ये जिस जगह पर इम्प्लीमेंटेड होते हैं वहाँ पर मल्टीपल राउटर के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। ये सारे कनेक्शन डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का डिज़ाइन किया गया है और वहाँ पर किस तरीके का नेटवर्क जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। राइट, तो ये वेरी करता है नेटवर्क टू नेटवर्क, और यूजुअली ये बहुत कॉस्टली होते हैं। और अगर एक बेसिक लेवल की डिवाइस की बात करते हैं जिसमें जिसमें एक स्टैंडर्ड लेवल के फीचर्स हों, तो उसकी उसकी कॉस्टिंग भी अराउंड 2 से 5 लाख के बीच में आपको पड़ेगा ये राउटर। इसीलिए ये किसी होम यूज़र के लिए होता नहीं है, ये प्योरली एंटरप्राइज और कॉरपोरेट में यूज़ होने वाला डिवाइस है। राइट, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि दिस टाइप ऑफ राउटर यूजुअली हैव रिडंडेंसी ऑप्शन अवेलेबल इन इट। और रिडंडेंसी का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा, और रिडंडेंसी को मैं अलग से एक वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ इतना समझिए कि इस डिवाइस में वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जिससे कि ये फेलियर के टाइम पे भी, चाहे वो हार्डवेयर फेलियर हो या पावर फेलियर हो, उस टाइम पे भी बड़े एफिशिएंट तरीके से काम कर सके। इसके लिए जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये डुअल पावर सप्लाई यूनिट दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन दोनों को एक साथ अप करूँगा तो मैं इसे दो अलग अलग यूपीएस के साथ कनेक्ट करूँगा, ताकि एक बार मेन पावर कट हो जाता है तो ये दो यूपीएस से वर्क करेगा। अगर उन दो यूपीएस में से अगर एक यूपीएस और ख़राब हो जाता है तो ये फिर दूसरे बचे हुए यूपीएस के साथ काम करेगा। तो ये बेसिकली रिडंडेंसी स्ट्रेटजीज वगैरह में आती हैं, और ये अलग ही टॉपिक है, तो मैं इसको अलग से आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये रिडंडेंसी ऑप्शन के साथ आते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि एंटरप्राइज राउटर्स कैन हैंडल मिलियंस ऑफ ट्रैफिक पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये है कि ये लाखों नेटवर्क पैकेट्स को एक सेकेंड में फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मल्टीपल राउटर से कनेक्टेड हो, उसके बाद वो मल्टीपल राउटर्स मल्टीपल लैन से कनेक्टेड हो, तो इतने सारे नेटवर्क का जो ट्रैफिक होता है वो ये फॉरवर्ड कर सकता है, ये केपेबल होता है। राइट, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि राउटर्स बाय डिफॉल्ट ब्रेक अप दी ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये ब्रॉडकास्ट डोमेन और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कोलिजन डोमेन, ये दोनों रिलेटेड हैं, तो आप इसे भी नोट करिए। इसके बारे में मैं आपको उस डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। राइट, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस पर, और ये है आपका सबका फेवरेट वाईफाई राउटर, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने इसके बारे में सुना है और सबने देखा भी होगा। और जिसके घर में भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उनके घर में ये डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, तो हम इसका एक डेफिनेशन देखते हैं। अ वायरलेस राउटर इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ अ राउटर एंड ऑल्सो इंक्लूड्स अ फंक्शन ऑफ अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट, एथरनेट स्विच एंड अ फायरवॉल। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वैन, यानी कि इंटरनेट। इट कैन फंक्शन इन अ वायर्ड लैन और इन अ वायरलेस ओनली लैन और इन अ मिक्सड वायर एंड वायरलेस नेटवर्क। राइट, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक राउटर का जो प्राइमरी टास्क होता है वो होता है पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक फॉरवर्ड करना।
तो ये जो आपका होम राउटर है वो एक राउटर का भी काम करता है और एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट का भी काम करता है और एक एथरनेट स्विच का भी काम करता है और कई केसेस में ये फायरवॉल का भी काम करता है। तो आपका सवाल होगा कि ये फायरवॉल क्या है, और आप ये वीडियो देखते रहिए, इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि ये फायरवॉल होता क्या है। तो बेसिकली आपके घर पे इम्प्लीमेंटेड एक वाईफाई राउटर 4-in-1 डिवाइस है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप इस राउटर के इमेज को ज़रा क्लोजली एग्जामिन करिए तो आपको दिखेगा कि ये वैन पोर्ट है आपका, जहाँ पर आपके ISP का कनेक्शन प्लग इन होता है, और ये आपका लैन पोर्ट है। मान लीजिए कि आपका स्विच है, ये आपका राउटर है, ये एंटीनास जो हैं ये आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, और डिवाइस के अंदर आपका राउटिंग और फायरवॉल वाले सॉफ्टवेयर फीचर्स अवेलेबल हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है एक होम यूज़र के लिए। अगर किसी के पास एक हाई एंड राउटर है, जो मैंने इस इमेज में दिखाया इस तरीके से, और ये वाईफाई राउटर का एक सिंबल है, अगर कहीं भी किसी भी नेटवर्क डायग्राम में आप इस सिंबल को देखें तो समझ जाइए वहाँ पर एक वाईफाई राउटर इम्प्लीमेंटेड है। अगर किसी के पास एक डिसेंट या एडवांस लेवल का वाईफाई राउटर है तो उसके लिए, किसी होम यूज़र के लिए वो मोर देन इनफ है। तो आप उसके साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज़ें कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपके घर का वाईफाई राउटर क्या क्या कर सकता है। वो पैकेट फॉरवर्ड करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, वो एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट की तरह काम करता है, और वो एक एथरनेट स्विच की तरह भी काम कर सकता है, और कई केसेस में वो फायरवॉल की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन में आप ध्यान से देखें तो ये आपका मॉडम है, यहाँ पर काम कर रहा है, ये टू इंटरनेट यानी कि आपके ISP का कनेक्शन है ये, और उसके बाद आपने इसको कनेक्ट किया आपने वाईफाई राउटर के साथ। तो आपके वाईफाई राउटर से आपने वायर्ड कनेक्शन किया है अपने प्रिंटर को और अपने डेस्कटॉप को, उसके बाद आपके वायरलेस प्रिंटर, आपका टैबलेट और आपका लैपटॉप वायरलेसली कनेक्टेड है। बेसिकली आपके घर में इंस्टॉल्ड एक वाईफाई राउटर भी इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड हो सकता है या ऑलरेडी हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस पर। तो हमारा नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस है वाईफाई एक्सेस पॉइंट। अब ये एक्सेस पॉइंट है क्या, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इसे पहली बार सुना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ। एन एक्सेस पॉइंट इज़ अ वायरलेस नेटवर्क डिवाइस दैट एक्ट एज अ पोर्टल फॉर वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ लोकल एरिया नेटवर्क। एक्सेस पॉइंट्स आर बेसिकली यूज फॉर क्रिएट एंड एक्सटेंडिंग द वायरलेस कवरेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क सो दैट द वायरलेस डिवाइसेस कैन कनेक्ट टू इट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो घर का वाईफाई राउटर है वो 4-in-1 है, यानी कि वो एक राउटर का भी काम करता है, वो एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट का काम करता है, और वो एक स्विच का काम करता है, एक फायरवॉल का काम करता है। तो ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है क्या, और वाईफाई एक्सेस पॉइंट का प्राइमरी टास्क क्या है? वाईफाई एक्सेस पॉइंट का प्राइमरी टास्क है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को रिसीव करता है और उन्हें माइक्रोवेव में कन्वर्ट कर बाहर एम्पलीफाई करता है, ताकि आप उसे कनेक्ट हो सकें, यानी कि आपके वायरलेस डिवाइस उस माइक्रोवेव को रिसीव करते हैं और उस वेव के थ्रू ही, उस माइक्रोवेव के थ्रू ही अपना डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव करते हैं। तो ये एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट का प्राइमरी टास्क है। और आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इन सब चीज़ों को लेकर, आप अभी फ़िलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन ऑब्जॉर्व करिए जितनी आप रिलेट कर सकें। इसके बाद मैं डिटेल में आपको इन वायरलेस पॉइंट के बारे में बताऊंगा। और जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस पॉइंट। प्राइमरीली हमारे पास दो टाइप के एक्सेस पॉइंट्स अवेलेबल हैं फिलहाल। तो पहला है स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट, जिसे हम फैट AP भी कहते हैं, और दूसरा है कंट्रोलर बेस्ड एक्सेस पॉइंट, जिसे हम थिन AP भी कहते हैं। अब स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट काफ़ी हद तक आपके होम राउटर की तरह ही होता है। आप उसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे लॉगिन करते हैं और GUI मोड पे एक्सेस कर कर उसको कॉन्फ़िगर करते हैं इंडिविजुअली, लेकिन कंट्रोल बेस्ड एक्सेस पॉइंट यानी कि थिन AP ऐसा नहीं है। ये एक कंट्रोल के साथ कनेक्टेड होते हैं, और बेसिकली जो इनके कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट होता है वो कंट्रोलर पर किया जाता है, और उस कंट्रोलर से ही ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फेच करते हैं। बेसिकली कंट्रोलर इनका ब्रेन होता है और ये खाली शेल होता है, इनके अंदर कोई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की जाती है। तो ये एक एक्सेस पॉइंट का सिंबल है। अगर किसी भी नेटवर्क डायग्राम में आप इस सिंबल को देखें तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर कोई एक्सेस पॉइंट इम्प्लीमेंटेड है, कोई वाईफाई राउटर नहीं। तो एक वाईफाई राउटर में और एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट में डिफरेंस देखने के लिए आप इस इमेज को प्रॉपरली ऑब्जर्व करिए। होम वायरलेस राउटर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको ये इमेज दिखा रखी है, और एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट। किसी वायरलेस एक्सेस पॉइंट में ज़्यादातर एक या
दो वैन पोर्ट होते हैं और उनके पर्पस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर एक पोर्ट अवेलेबल है यहाँ पर तो ये ईथरनेट पोर्ट है, यहाँ पर आप अपने स्विच या अपने राउटर से एक लैन केबल लाकर इसे कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इसे पावर दे सकते हैं और ये काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि आप वैन पोर्ट देख पा रहे हैं आपके राउटर में जो इनपुट कनेक्शन लेने का काम करता है, और उसी तरीके से ये पोर्ट भी इनपुट कनेक्शन लेने का ही काम करता है। उसके अलावा इसमें कोई भी लैन पोर्ट्स वगैरह नहीं होते हैं जैसे कि आप ये अपने होम राउटर में देख पा रहे हैं। और रहा सवाल एंटीना का, तो उसमें बिल्ट इन एंटीना होता है। तो बेसिकली जो एक्सेस पॉइंट्स आते हैं वो इंटीग्रेटेड एंटीना के साथ आते हैं, यानी कि इनके एंटीना होते हैं लेकिन वो बॉडी के अंदर ही वो पैक्ड होते हैं। ऑल राइट, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन है स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट और एक कंट्रोल बेस्ड एक्सेस पॉइंट का। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट ज़्यादातर आपके वायरलेस राउटर की तरह ही होते हैं, आपके होम वायरलेस राउटर की तरह ही होते हैं। आप उन्हें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे लॉग इन कर उन्हें कॉन्फ़िगर करते हैं इंडिविजुअली। और अब हम आते हैं अपने कंट्रोल बेस्ड एक्सेस पॉइंट पर। कंट्रोल बेस्ड एक्सेस पॉइंट के केसेस में ये अलग होता है क्योंकि आप कंट्रोल को लॉग इन कर कर कंट्रोल भी एक डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि उसके बारे में। तो इस हार्डवेयर को आप लॉग इन करते हैं और यहाँ पर सारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं और उसके बाद इससे आप एक्सेस पॉइंट अटैच कर देते हैं और उसे पावर ऑन कर देते हैं बस। उसके बाद आपको ना तो इसे लॉग इन करने की ज़रूरत है ना कुछ और करने की, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो वायरलेस कंट्रोलर से फेच होकर एक्सेस पॉइंट तक पहुँच जाएगा और ये काम करना शुरू कर देगा। बेसिक लेवल पर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी है। अगर आप इनके बारे में थोड़ा एडवांस में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर कुछ वीडियोस हैं इनके बारे में, आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। और आने वाले कुछ टाइम में मैं इन पर भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं उन वीडियोस को बनाऊं। ऑलराइट, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइसेस पे जो है वायरलेस लैन कंट्रोलर, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WLC। और इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। वायरलेस लैन कंट्रोलर अलाउज यू टू सेंट्रली मैनेज एंड कॉन्फिगर द लोकली कनेक्टेड एक्सेस पॉइंट्स इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। ऑलराइट, तो एक कंट्रोलर का बेसिक जॉब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर रखा है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी पॉलिसी डिप्लॉयमेंट, यूज़र मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग। इसका मतलब ये है कि जितना भी आपका वायरलेस नेटवर्क है वो एक सिंगल पॉइंट पर मैनेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक 20 से 30 राउटर का एक वायरलेस लैन है तो आपको उसको इंडिविजुअली जाकर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कंट्रोलर लॉगिन कीजिए और उसी में अपने सारे सिक्योरिटी पॉलिसीज डिप्लॉय करिए और अपना जो मैनेजमेंट क्राइटेरिया है उसको डिफाइन करिए, और उसी में आप अपने यूज़र को भी मैनेज कर सकते हैं और इन सारे यूज़र की रिपोर्टिंग भी टाइम टू टाइम आप रिट्रीव कर सकते हैं इस कंट्रोल के थ्रू। और ये कहाँ कहाँ डिप्लॉयड होते हैं, ये यूजुअली डिप्लॉयड होते हैं एंटरप्राइजेस में ही, और ये बहुत कॉस्टली डिवाइसेस होते हैं। इनकी प्राइसिंग भी अराउंड 1.5-2 लाख से ही स्टार्ट होती है। कुछ एंट्री लेवल के डिवाइसेस भी होते हैं लेकिन वो भी एंटरप्राइज में ही डिप्लॉयड होते हैं। राइट, तो ये बेसिकली वहीं यूज़ किया जाता है जहाँ पर वायरलेस लैन की रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज इतने कॉस्टली हार्डवेयर हर जगह ज़रूरत नहीं पड़ती है। राइट, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस पर जो कि है नेटवर्क फायरवॉल, यानी कि हार्डवेयर फायरवॉल। जो मैंने आपको बताया था आपके होम राउटर में भी इसका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, और यहाँ पर जिसे हम कवर कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली हार्डवेयर फायरवॉल है, यानी कि एक डेडिकेटेड हार्डवेयर फायरवॉल। और ये एक टिपिकल फायरवॉल का सिंबल है। अगर आप किसी भी नेटवर्क डायग्राम में ऐसे सिंबल को देखें तो समझ जाइए वहाँ पर कोई नेटवर्क फायरवॉल इंप्लीमेंटेड है। तो हम एक इसका डेफिनेशन देखते हैं। नेटवर्क फायरवॉल्स आर सिक्योरिटी डिवाइसेस यूज्ड टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर लैंड नेटवर्क फ्रॉम दी आउटसाइड नेटवर्क लाइक इंटरनेट। द ट्रैफिक अलाउड आर डिफाइंड इन दी फायरवॉल पॉलिसी। एनी अदर ट्रैफिक इज अटेम्प्टिंग टू एक्सेस द नेटवर्क इज ब्लॉक्ड। नेटवर्क फायरवॉल्स आर दी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ऑलराइट, तो जैसा कि आप इस डेफिनेशन समझ सकते हैं कि फायरवॉल एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। ये एक डेडिकेटेड हार्डवेयर होते हुए भी इसका ज़्यादातर पार्ट सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होता है। इस डिवाइस के इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप इसे लॉग इन कर कर इसमें अपने फायरवॉल पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं, और ये पॉलिसीज़ ही हैं जो आपके नेटवर्क को बताएंगी, जो आपके नेटवर्क डिवाइस को बताएंगी कि किस तरीके का जो ट्रैफिक है वो आपके नेटवर्क में एक्सेस कर सकता है और किस तरीके का ट्रैफिक आपके नेटवर्क में अलाउड नहीं है। तो जो जिनका एक्सेस होगा
वो आपके नेटवर्क में एंटर कर जाएगा और जिसका एक्सेस नहीं होगा वो इजीली ब्लॉक हो सकता है, और इसकी वजह से आपका नेटवर्क जो है वो काफ़ी सिक्योर हो जाएगा। अननेसेसरी एक्सेस और अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वहाँ पर नहीं होगा आपके नेटवर्क के अंदर, और आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो आउटसाइड आउटसाइडर थ्रेट से बच जाएगा, राइट। तो किसी नेटवर्क फायरवॉल का, किसी हार्डवेयर फायरवॉल का प्राइमरी टास्क जो है वो यही है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी को एनहेंस करना, और ये यूजुअली डिप्लॉयड होता है मीडियम साइज से लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस में, और ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसकी प्राइस भी स्टार्ट होती है तकरीबन 2 लाख से, और कुछ एंट्री लेवल के हार्डवेयर हैं जो कुछ सस्ते भी हैं लेकिन उनकी कॉस्टिंग भी अराउंड पड़ती है 1-1.5 लाख के आसपास, राइट। तो इस स्लाइड में फायरवॉल का एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका इंटरनेट यानी कि पब्लिक नेटवर्क है, और उसके बाद आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपके नेटवर्क का वो है आपका फायरवॉल। यहाँ पर एक फायरवॉल इंप्लीमेंटेड है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इस फायरवॉल के अंदर का सॉफ्टवेयर यानी कि इसकी पॉलिसीज डिफाइन करती हैं कि किस तरीके का नेटवर्क पैकेट है वो आपके नेटवर्क में अलाउ किया है और किस तरीके का ब्लॉक करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्पेसिफाइड ट्रैफिक अलाउड और ये रिस्ट्रिक्टेड ट्रैफिक। तो जैसे ही कोई ऐसा ट्रैफिक आएगा जो नेटवर्क में अलाउड नहीं है वो डिस्कार्ड किया जाएगा, यानी कि वो डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा और वो आपके नेटवर्क के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये एक बेसिक टास्क है एक फायरवॉल का। तो फिलहाल आप इतनी इन्फॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व कीजिए, मैं नहीं चाहता कि आप कन्फ्यूज़ हो इन सब डिवाइसेस और इन सब टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, राइट। मैं इस फायरवॉल के बारे में एक्सटेंसिवली कवर करूँगा किसी एक डेडिकेटेड वीडियो में, राइट। तो हम पहुँच चुके हैं अपने वीडियो के एंड पर। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपरली देखा होगा और समझने की कोशिश करी होगी तो आप इस नेटवर्क डायग्राम को इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक राउटर इम्प्लीमेंटेड है हमारे पास, यहाँ पर इस डायग्राम में ये हमारा ISP है जिसे हमने कनेक्ट कर रखा अपने हार्डवेयर राउटर को, एंटरप्राइज राउटर को। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक नेटवर्क स्विच कनेक्टेड है, उसके बाद हमने उससे दूसरे एक स्विच को कनेक्ट कर रखा है, उसके बाद ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जहाँ पर हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स को कनेक्ट कर रखा है, उसके बाद यहाँ पर एक वाईफाई राउटर है जो हमारे वायरलेस क्लाइंट के लिए हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्विच को यूज़ करते हैं सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी के लिए, उसी तरीके से स्विच यहाँ पर इंप्लीमेंटेड है मल्टीपल डिवाइसेस को सेंट्रली कनेक्टेड करने के लिए, और उसी तरीके से मैंने आपको वाईफाई राउटर के बारे में बताया था कि आपका वाईफाई राउटर भी मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है, और उनमें से फ़िलहाल यहाँ पर वो एक ही काम कर रहा है, वो है वायरलेस एक्सेस का, जो एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट की तरह डिप्लॉयड है यहाँ पर, ताकि आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो वायरलेस नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो वाईफाई को यूज़ कर सकें। और यहाँ पर हमारा स्विच डिप्लॉयड है जो आपके ISP से कनेक्टेड है, और ये आपके नेटवर्क के ट्रैफिक को दूसरे नेटवर्क तक ले जाने का और दूसरे नेटवर्क के ट्रैफिक को आपके नेटवर्क तक लाने का काम करता है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इन डिवाइसेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर नहीं किया है, और अगर मैं इस वीडियो में ज़्यादा एडवांस चीज़ें डालता तो आप ऑलरेडी पजल हो जाते हैं इसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन को पहले ऑब्जर्व करें, क्योंकि जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे हमें एडवांस टॉपिक नहीं समझ आएगा। अगर समझ आ भी गया तो हम पजल हो जाएंगे इन सब चीज़ों में, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।